नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत का गलत नक्शा दिखाने पर 100 करोड़ का जुर्माना और 7 साल की सजा। भारत का गलत नक्शा दिखाना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल तैयार कर रही है जिसमें देश का गलत नक्शा दिखाने पर 7 साल की सजा हो सकती है, साथ ही 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। भू स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के मसौदे के अनुसार कोई भी व्यक्ति सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, एयरशिप्स, बलून, ड्रोन या किसी भी तरह के वाहन के जरिए एरियल या स्पेस व्यू के साथ भारत के किसी हिस्से की जियोस्पेशियल इमेज हासिल नहीं कर सकेगा। मैप्स के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करने और उसे सैटेलाइट्स या एप्स के जरिए दिखाने के लिए अथॉरिटी से लाइसेंस की जरूरत होगी। मसौदा विधेयक के अनुसार अगर गूगल मैप्स, गूगल अर्थ या बाकी एजेंसियां खासकर कश्मीर को लेकर गलत मैप दिखाती है तो उन पर भी बड़ा जुर्माना लगेगा। जो कंपनियां, एजेंसियां, संस्थाएं या लोग अभी मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें लाइसेंस लेना होगा। ऐसा नहीं किया तो जुर्माना 10 लाख से 16 करोड़ के बीच लगेगा। 7 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। अमेरिकी अधिकारी ने आईएस के खिलाफ जंग को बताया गैर कानूनी, ओबामा पर मुकदमा। कुवैत में तैनात अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई को गैर कानूनी बताते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। अमेरिका के 28 वर्षीय कैप्टन नाथन माइकल स्मिथ के अनुसार आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई के लिए ओबामा प्रशासन ने कांग्रेस से इजाजत न लेकर कानून तोड़ा है। उन्होंने कहा कि हम आईएस के खिलाफ मजबूती से लड़ने के पक्ष में हैं, लेकिन इसके लिए संविधान की अनदेखी नहीं की जा सकती। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार स्मिथ ने अदालत में जो दस्तावेज दाखिल किए उसमें बताया गया है कि सीरिया और इराक में कार्रवाई शुरू करने से पहले अमेरिकी संसद से इजाजत नहीं ली गई। उज्जैन सिहस्ता में तेज आंधी और बारिश से पांडाल उखड़े, 7 मरे और 40 घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिहस्ता के दौरान गुरुवार शाम अचानक आई आंधी और तेज बारिश के कारण अनेक पांडाल धराशायी होने और बिजली गिरने के कारण 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सिंहस्थ में आफत की बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश के कारण कई तंबू उखड़ गए और कीचड़ ही कीचड़ हो गया। यहाँ पर 13 अखाड़ों ने डेरा जमाया हुआ है। मेला क्षेत्र कच्ची जमीन पर बनाने के कारण कच्ची जमीन धंस गई और कई डेरों में पानी जम गया।